नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार द्वारा नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी। बोले, नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। वहीं राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस ना बनाए बेकार का मुद्दा। बीजेपी ने जारी की 29 प्रत्याशियों की सूची। एमपी में चुनाव की घोषणा से पहले किया उम्मीदवारों का ऐलान। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन सीटों पर जारी किए उम्मीदवार जहां वर्तमान में है कांग्रेस का कब्जा। अमेरिका में 5 पंजाबी मानव तस्कर गिरफ्तार। कैलिफोर्निया में ऑपरेशन बैंड बॉर्बी के तहत 23 लोगों को किया काबू। बता दें कि इन आरोपियों में अमेरिका में मानव तस्करी और बच्चों का यौन शोषण करने के लगे हैं आरोप। हिमाचल के शिमला हादसे में 14 लोगों के शव बरामद। चौथे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब भी 7 लोग लापता। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के समर हिल इलाके में भूस्खलन ने जमकर मचाई तबाही। राज्य सरकार ने केंद्र से मांगी 6600 करोड़ रुपए की मदद। हरियाणा के जिला भिवानी में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। महिला को उसी के गांव के रहने वाले युवक ने दिन दहाड़े उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद मौके से आरोपी फरार। पुलिस ने पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर शुरू की जांच। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज। बीजेपी ने स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट और मैनिफेस्टो कमेटी का किया गठन। पार्टी ने किसी भी कमेटी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को नहीं दी जगह। घोषणा के दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी रहे मौजूद। राजस्थान सीएम ने ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण का किया शिलान्यास। कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े मुख्यमंत्री बोले, राजस्थान में धरातल पर हुए काम। बता दें कि सीएम ने प्रदेश भर में 131 सड़कों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। सभी पर खर्च होंगे करीब 98.50 करोड़ रुपए। राजस्थान की 26 विधानसभा सीटों पर आपके उम्मीदवार तय। पंजाब, दिल्ली, गुजरात से सटे इलाकों की सीटों पर पार्टी का रहेगा फोकस। नहीं करेंगे किसी से गठबंधन। दिल्ली सीएम केजरीवाल के तय पलायन के अनुसार अगले सप्ताह संभावित उम्मीदवारों के नामों की हो सकती है घोषणा। पंजाब के 8 जिलों में बाढ़ का कहर जारी। गुरदासपुर में 2 बच्चों की बहने से मौत। रोपड़, तरन तारण में टूटे बांध। सीएम बोले, कुदरत ने इस बार सिखाया सबब। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे लोग। भाखड़ा डैम के फ्लड गेट खोलने से सतलुज नदी का बड़ा जलस्तर। पंजाब की सीनियर कांस्टेबल ने जीते 2 गोल्ड मेडल। विश्व पुलिस गेम में बॉडी बिल्डिंग में भारत का किया नेतृत्व। बोली, ओलंपिक में जाना उसका लक्ष्य है। बता दें कि अमृतसर के आदर्श नगर की रहने वाली बबीता थाना छावनी में महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर है तैनात। सच कहूं न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच कहूं हिंदी चैनल।